नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी जो आपको मदद करेगी कि कैसे हमको अपनी लाइफ जीनी चाहिए, प्लस जिंदगी में जो भी मेरे गोल्स हैं, जो भी मेरे सपने हैं, उनको मैं कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूं एफर्टलेसली। अब समझिएगा बात को। लेट्स से कि आपको एक इम्पॉर्टेंट जगह पे पहुंचना है और आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आप अपनी कार में बैठे, आप ड्राइव करने लग गए और सामने आपको एक बहुत बड़ा सा ट्रैफिक दिख रहा है। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप हॉर्न बजाएंगे, आप शीशा खोल के लोगों को चिल्लाएंगे, हटो मुझे जाना है, राइट? ये आपका पहला रिएक्शन होगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे हम जाने अनजाने में हम चाह के भी सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं आपको और ढंग से समझाता हूं, बट उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा पानी को, नेचर को। यस, आपने कभी सी को नोटिस किया है? एक झरना है जो बह रहा है ऊपर से, वो एफर्टलेसली बह रहा है, कोई चीज फोर्स नहीं हो रही है। उसके सामने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं, बहुत सारे पेड़ आ रहे हैं, बट वो पानी एफर्टलेसली आराम से बह रहा है। एक पक्षी हवा में उड़ता है, क्या वो एफर्ट लगाता है? नो, बिल्कुल आराम से वो पंख अपने ऊपर नीचे करता है और एफर्टलेसली स्मूथली वो आराम से फ्लाई कर रहा होता है। यही चीज हमको ताओइज्म में सिखाई गई है। एक फिलॉसफी का नाम है वू वी। ताओइज्म में फिलॉसफी है कॉल्ड वू वी, जिसमें यही बताया गया है कि हमको अपनी जिंदगी एफर्टलेस चलानी है। इट्स लाइक वी हैव टू लेट गो ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब लेट गो का ये मतलब नहीं कि मैं हर चीज छोड़ दूं, नो। मुझे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सिचुएशंस पे, सिनेरियोस पे, लोगों को वैसे अपने आप को वर्क करना है जिससे कि मैं एफर्टलेसली वर्क करूं और मैं अपने ड्रीम्स, अपने सपने मैनिफेस्ट करूं अपनी लाइफ में। अब आपने कभी नोटिस किया हो किसी क्रिएटिव पर्सन को? कोई भी क्रिएटिव पर्सन आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स खेल रहा हो, चाहे वो पेंटिंग कर रहा हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, कोई म्यूजिक बना रहा हो, या अगर आप भी एक क्रिएटिव पर्सन है, कोई क्रिएटिव काम करते हैं जो आपको पसंद है, तब आपने नोटिस किया होगा उस समय समय की कोई वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज समय यूं निकल जाता है। आप एफर्टलेसली वो पेंटिंग कर रहे होते हैं, आप एफर्टलेसली वो गेम खेल रहे होते हैं, आप एफर्टलेसली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे होते हैं और उसका आउटकम 100% इफेक्टिव होता है, बिकॉज वहां से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। नाउ ताओइज्म में, वू वी में यही बताया गया कि हम जो भी अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं, वो कोई भी गोल हो, कोई भी सपना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो मेरी जॉब हो, अगर मैं उसको एफर्टलेसली करूं विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रेशर जो मुझे आउटर वर्ल्ड ने दिया हुआ है, तो पहली बात तो मैं उसमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा, मेरा फोकस उसमें रहेगा, प्लस जो उसका आउटकम होगा वो मुझे बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा, मुझे और चीजें मैनिफेस्ट करने में मदद कर देगा, बिकॉज मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूं 100% एफर्ट लगा के। अब इसको एग्जाम्पल से और समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि लेट से आप एक कोन में आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है? अब आप कोन को कैसे पकड़ते हैं? बिल्कुल एफर्टलेसली, राइट? बिल्कुल हल्के से पकड़ते हैं और आप आइसक्रीम खा रहे होते हैं। अगर मैं कहूं कि आप उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, आप कोन को यूं चिपका देंगे, पकड़ लेंगे टाइटली, तो क्या होगा? ऊपर से आइसक्रीम गिर जाएगी। ये जो आइसक्रीम जो गिरी है, वो आपके सपने हैं, वो ड्रीम है जो आप डर रहे हैं, और ये जो कोन है वो आपकी लाइफ है। अब हम लोग इतना ज्यादा फोकस हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं टुवर्ड्स द आउटकम कि अगर वो मेरा गोल पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो एग्जाम अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा, या वो स्पेसिफिक पर्सन जिससे मैं शायद बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, अगर वो मेरी जिंदगी से चला गया तो मेरा क्या होगा। मैं उस कोन को दबा रहा हूं और अगर मैंने उसको दबाया तो वो चीज बाहर निकलेगी ही निकलेगी। और आप नोटिस कर सकते हैं, आप चाहे अपनी लाइफ में समझ सकते हैं या आप लोगों की लाइफ से समझ सकते हैं, कि जिसने ज्यादा एफर्ट लगाए इन द सेंस कि डर से, कि अगर मेरे अंदर डर है कि वो चीज कहीं चली ना जाए या वो चीज अगर नहीं हो तो वो उनकी लाइफ से चली जाती है और वो चीज उनकी लाइफ में नहीं होती है। आई कैन गारंटी यू दैट यही होता है। बट अगर आप लेट गो कर देते हैं, आप एफर्टलेस वर्क करते हैं टूवर्ड्स योर ड्रीम, टूवर्ड्स योर गोल, तो वो चीज आपकी तरफ मैनिफेस्ट होती है, आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। आई एम श्योर आप मुझसे अग्री करेंगे, जिस इंसान के दिमाग में होता है ना कि मैं डरता हूं उस चीज से लूज करने के लिए, कि मैं डरता हूं कि कहीं मैं उस चीज को खो ना दूं, मैं डरता हूं कि कहीं वो चीज मिले ना मुझे, वो डर एक्चुअल में रियलिटी बन जाती है आपकी लाइफ में। इट्स इंपॉर्टेंट, यही
फिलॉसफी में समझाया गया है, ताओइज्म फिलॉसफी में, वू वी में समझाया गया है कि यू हैव टू लेट गो। अब लेट गो का क्या मतलब हुआ? लेट गो में ये नहीं बता रहा हूं कि आपके जो भी गोल्स हैं आप उसको छोड़ दीजिए, लेट गो करिए, मैं आराम से बैठा हूं, नहीं। लेट गो का मतलब हुआ आई ट्रस्ट द प्रोसेस। लेट गो का मतलब हुआ कि मैं जो भी एफर्ट्स लगाऊंगा उसमें मैं अपना 100% दे रहा हूं विद द इंटेंशन कि हाँ मैं उसका जो एंड रिजल्ट है उस पर प्राइम फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं आज पे फोकस कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हूं, प्लस मुझे बिलीव है उस सिस्टम पे, उस यूनिवर्स पे, उस गॉड पे कि हाँ जो भी मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू गाइज आर यंग, आप यंग लोग हैं, अगर आप इस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देंगे ऑफ लेटिंग गो, तो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। बिकॉज जितने ज्यादा आप यंग हैं उतनी आपको अपनी जिंदगी जीनी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको धोखे मिलेंगे, आपका दिल टूटेगा, आपको बैक स्टैप लोग करेंगे ही करेंगे, बट अगर आप लेट गो की टेक्निक यूज करेंगे, आप इसको धारण कर लेंगे अपनी लाइफ में, तो जो आपका रिएक्शन था, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि ट्रैफिक है, आप कुछ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, लेकिन आप जबरदस्ती फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप हॉर्न कर रहे हैं, आप शीशे उतार के लोगों को गाली दे रहे हैं, वो आप नहीं करेंगे, बिकॉज आप अपने कार में आराम से काम होके बैठेंगे एंड यू विल लेट गो कि ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, आई हैव टू वेट, इसके अलावा मेरे अंदर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी बिकॉज आपके अंदर कामनेस आ जाएगी। आई एम श्योर बहुत से लोग मुझसे अग्री करेंगे कि ये बोलना आसान है करना मुश्किल है, तो कुछ आपको स्टेप समझाता हूं मैं, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे देन आई कैन अश्योर यू आप अच्छे इंसान बनेंगे एंड विद दिस टेक्निक आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आपके गोल्स हैं आसानी से। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज टाइमलाइन। हर इंसान की एक टाइमलाइन चल रही है और वो टाइमलाइन आप तभी समझ सकते हैं जब आप वो बिलीव रखेंगे, आपको यकीन होगा उस भगवान पे, उस यूनिवर्स पे, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप प्रे करते हैं। किसी इंसान की नौकरी 21 साल में लग जाती है और 25 साल तक छूट जाती है, और किसी की नौकरी 30 साल में लगती है। किसी की शादी 21 साल में होती है, उसका पहला बच्चा 35 साल में होता है, और किसी की शादी 35 साल में होती है और नेक्स्ट ईयर ही उसका बेबी हो जाता है। एवरीबडी इज रनिंग ऑन देयर ओन टाइमलाइन। स्पिरिचुअलिटी हमको यही सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग में यही बताया गया है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो भी चीज आप चाह रहे हैं अगर आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो चाहता है कि आपको और स्किल अपनी ब्रश करनी है, आपको वो और डेवलप कर रहा है, आपके अंदर वो और कॉन्फिडेंस ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप 5000 लोगों के सामने एक स्पीच देना चाहते हैं, एक 15 मिनट की स्पीच की अपॉर्चुनिटी है, आपको पता है कि अगर आप वो देंगे तो आपका करियर बहुत ऊपर चला जाएगा, आपका करियर बूस्ट करेगा। अब वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल नहीं रही है, वॉट इफ कि आपकी बात सच हो जाए, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो 15 मिनट में आप ढंग से बोली ना पाए, आप हड़बड़ा जाए, आपके वर्ड्स ही ना निकले, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई ना। इट्स बेटर कि आपको वो अपॉर्चुनिटी 2 साल 3 साल या 5 साल बाद मिले, बट वो 5 साल के प्रोसेस में जब आप अपने आप की स्किल्स को ब्रश करेंगे और आप कॉन्फिडेंटली उस स्टेज पे खड़े होंगे, वो 15 मिनट में लोग 5000 लोग खड़े होकर आपको ताली बजाएंगे, तब आपका करियर स्काई रॉकेट हो जाएगा। सो यू हैव टू ट्रस्ट द टाइमिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई चीजें नहीं हो रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि यूनिवर्स चाह रहा है कि आप अपनी स्किल्स पर ब्रश करें विद द प्रोसेस ऑफ ताओइज्म, वो वी टू लेट गो, लेट इट गो, अपने ऊपर वर्क करो एंड ट्रस्ट द टाइमिंग, इट विल हैपन। नेक्स्ट स्टेप इज टू एडजस्ट विद योर सराउंडिंग्स। अब हर इंसान की एक ना एक सराउंडिंग्स है, हमारे घर के एक एनवायरमेंट है, हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, राइट, हमारा वैसे ही नेचर हो जाता है। But you also have to surround accordingly. जैसे कि animals होते हैं ना, वो जब जंगल में होते हैं तो वो situations के according surrounds करते हैं, अपने आप को ढाल देते हैं उसमें, because ये जो जिंदगी है, ये जो life है, ये survival पे based है। Everybody is surviving, चाहे वो animal हो, चाहे वो हम हो, हम survive कर रहे हैं किसी ना किसी चीज को लेकर। So you have to adjust as per your surrounding. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी problems आ रही है, आपको इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देना है, आपको एडजस्ट करना है विद द सराउंडिंग एंड फ्रॉम दैट विद द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो, आप उस सिचुएशन को और अच्छे समझ पाएंगे, आप उस इंसान को और अच्छे समझ पाएंगे, और वहां से जब एक रिएक्शन निकलेगा, सेंस वाला रिएक्शन, तो वो आपको एक बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा, बिकॉज वहां से कंक्लूजन बहुत अच्छा हो सकता है। आप एक सेलर हैं, आप शिप चला रहे हैं, राइट, सामने से पानी का बहाव आ रहा है खूब तेज, अब आपको पता होना चाहिए कब आपको धीमा रखना है, कब आपको तेज करना है, कब आपको लेफ्ट टर्न लेना है, कब आपको राइट टर्न लेना है।
वो पानी का बहाव हमारी लाइफ है। हमको कभी भी झटके लग सकते हैं, हमको कभी भी धोखे मिल सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छे सेलर हो तो आपको पता है कि आपको अपनी शिप को कैसे चलाना है। यू हैव टू एडजस्ट एज पर योर सराउंडिंग्स, और वो हो सकता है विद द प्रोसेस ऑफ लेटिंग इट गो। नेक्स्ट स्टेप आप कर सकते हैं इज टू सिट क्वाइटली। कितने लोग एग्री करोगे कि आप खुद के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो? अब बहुत लोग कह सकते हो कि हां मैं अपने कमरे को बंद करता हूं, अपने साथ बैठता हूं। यह भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। सिट क्वाइटली का यह मतलब हुआ कि आपको अपने साथ बैठना है और सारी चीजें छोड़ देनी है कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे यह क्यों बोला, कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मेरा प्रेजेंटेशन है, मुझे बॉस को अपने मनाना है, ये सब हटा के। यू हैव टू सिट क्वाइटली विद योर सेल्फ, बिकॉज जब आप अपने साथ बैठते हो ना तो एक अंदर की जो एक आवाज है जो सिर्फ आप सुन सकते हो वो आपको सुनाई देने लग जाती है, वो बड़ी हो जाती है। उस अंदर की आवाज को पता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। क्रिएटिव लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल क्यों होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश क्यों रहते हैं? बिकॉज वो अपनी अंदर की आवाज को सुन के उस पर ही वर्क करते हैं। इट रियली डजंट मैटर कि आप इस समय क्या कर रहे हो, बट अगर आप अपनी अंदर की आवाज को जान पाओगे तो आप अपने आप को पहचान पाओगे। एंड विद दिस टेक्निक ऑफ लेटिंग इट गो, आप उस काम को एफर्टलेसली करोगे, जस्ट लाइक वाटर, जस्ट लाइक बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर। एंड विद दैट वो जो आउटकम निकलेगा ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। पहली बात तो ये टेक्निक, ये फिलॉसफी आपको एक बेटर पर्सन बना रही है, बिकॉज लाइफ में जितने भी सेटबैक्स आएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको आप रिएक्ट नहीं कर रहे, उसको आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, और वहां से एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हो जो आपकी बेटरमेंट के लिए है। प्लस आप अपनी जिंदगी में और अपॉर्चुनिटीज गैदर कर रहे हो, फ्रॉम दैट यू कैन अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट रियलिटी इन योर लाइफ। यू हैव टू वर्क एफर्टलेसली, एफर्टलेसली वर्क करके ही आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे, मेरा विश्वास रखो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर। इतनी ताकत है हमारे माइंड में, ये सारे प्रोसेस एक दूसरे को मदद करते हैं टुवर्ड्स बेटरमेंट। अगर आपको नहीं पता कि आप जिंदगी में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं एफर्टलेसली, तो ये ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैनिफेस्ट विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। अगर आप में राइट बिलीव है, इस वीडियो को देखिए विद द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, और अगर इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे आप एक बेटर पर्सन बनेंगे, प्लस आप जिंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं जो शायद इस समय आपके लिए इंपॉसिबल हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।